हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, शहनाज गिल का मीडिया में एक लेटेस्ट इंटरव्यू आ चुका है जिस पर उन्होंने अपने एमएसके से जुड़ी हुई कई सारी बातें की हैं और कुछ अफसोस भी जताया है। लेकिन आपको बता दें कि इंटरव्यू आने से पहले बलराज सयाल ने उनकी किस्मत पर एक अफसोस जता दिया था। वो क्या था हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल फिल्मी बीट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बलराज सयाल काफ़ी ज़्यादा क्लोज रहे हैं एमएसके के घर में शहनाज गिल के साथ। दोस्तों, शहनाज गिल को बहुत अच्छे से जानने की कोशिश भी की है बलराज सयाल ने, लेकिन फिलहाल जिस तरह का सिनेरियो चल रहा है उसमें उन्हें शहनाज की किस्मत पर काफ़ी तरस आ रहा है। पहले उन्होंने कहा कि पारस और शहनाज के लिए मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि दोनों की किस्मत काफ़ी बुरी है। पहले तो वो बिग बॉस के घर में 5 महीने कैद रहे, उसके बाद एमएसके के घर में, और जैसे ही वो उस घर से बाहर निकले तो अब लॉकडाउन में। कितनी ख़राब किस्मत है। दोस्तों, आपको फिलहाल बता दें कि शहनाज गिल का मीडिया में एक इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा छाया हुआ है। शहनाज गिल ने अपनी गलतियों पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि एमएसके अगर मैं साइन नहीं करती तो शायद मैं बिग बॉस जीत जाती। जी हाँ, उनको इस बात का काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा है कि उन्होंने एमएसके साइन क्यों किया। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी इस गलती से एक सीख ले रही हूँ कि बिना कुछ पढ़े हुए कोई भी प्रोजेक्ट साइन नहीं करना चाहिए, और मेरी बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने एमएसके साइन किया, और मैंने इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों को खो दिया है जिन्होंने मेरे लिए बिग बॉस में वोट किया था। दोस्तों, फिलहाल उनकी उम्मीद तो ये थी कि वो फर्स्ट रनर अप बन सकती थी, लेकिन एमएसके साइन करने की वजह से वो फर्स्ट रनर अप की रेस से भी बाहर हो गई, लेकिन ये पछतावा उन्हें अब हो रहा है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।